शादी में अक्सर दुल्हन को मेकअप बॉक्स दिया जाता है जिसमें मेकअप का सामान होता है, पर एक शादी में दुल्हन को मेकअप बॉक्स में मेकअप का सामान नहीं बल्कि कॉन्डोम और गर्भ निरोधक गोलियां दी गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया गया था जिसमें 296 जोड़े सामूहिक रूप से विवाह के बंधन में बंधे। इस शादी में मेकअप बॉक्स में गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम के पैकेज दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि कन्यादान योजना में जोड़े को इस तरह की सामग्री दी गई हो। ये सारा कारनामा स्वास्थ्य विभाग ने किया है, पर अब इसी को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभार्थी को 49,000 रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं।